जीवन उत्सव कार्यक्रम में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। मित्रों, हम आपके आभारी हैं क्योंकि आपके फोन कॉल्स और आपका संपर्क हमें प्रोत्साहित करता है। हम परमेश्वर का धन्यवाद देते हैं कि आप में से बहुतों की गवाही है कि हमने मिलकर प्रार्थना की और परमेश्वर ने हमारी प्रार्थना को सुना। आपके जीवन में जो कल्याण और लाभ आया है उसके लिए सारा आदर और सारी महिमा हम परमेश्वर पिता को देते हैं। इन दिनों में हम यीशु जी के दृष्टांतों पर ध्यान कर रहे हैं। वे दृष्टांत जो इसलिए दिए गए कि नम्र और कोमल मन के लोग परमेश्वर के राज्य के भेदों को समझ सके और वे जो पाप और कठोरता में और विद्रोहों में पड़े वे सुनकर भी अनजाने बने रह जाए। ये इस दुनिया का एक बड़ा आश्चर्य कर कि परमेश्वर उसी वचन से किसी को तो निहाल कर देता लेकिन उसी वचन वो किसी अन्य को छूछा वापस लौटा देता। ये भेद है जो परमेश्वर के वचन का मैं और आप देखते। आज हम एक और दृष्टांत की बात करेंगे जो हमारे हृदय के बहुत करीब है कि कैसे एक चरवाहा अपनी भेड़ की चिंता करता है, ठीक वैसे ही परमेश्वर भी हमारी चिंता करता है, वो हमारा पालनहार। इस दृष्टांत को देखने से पहले आइए प्रभु की स्तुति में एक गीत सुनो। आज तुमसे कोई कह रहा है चले अध्याय 10वां आयत से लेकर 14वां आयत तक।
कोई भी भेड़ का दृष्टांत। देखो, तुम इन छोटों में से किसी को तुच्छ ना जानना, क्योंकि मैं तुमसे कहता हूँ कि स्वर्ग में उनके दूत मेरे स्वर्गीय पिता का मुंह सदा देखते हैं, क्योंकि मनुष्य का पुत्र खोए हुओं को बचाने आया है। तुम क्या सोचते हो, यदि किसी मनुष्य की 100 भेड़े हो, उनमें से एक भटक जाए, तो क्या वो 99 को छोड़कर और पहाड़ों पर जाकर उस भटकी हुई को ना ढूंढेगा, और यदि ऐसा हो कि उसे पाए, तो मैं तुमसे सच कहता हूँ कि वह उन 99 भेड़ों के लिए जो भटकी नहीं थी इतना आनंद नहीं करेगा जितना कि इस भेड़ के लिए करेगा। ऐसे ही तुम्हारे पिता की जो स्वर्ग में है यह इच्छा नहीं कि इन छोटों में से एक भी नष्ट हो। बहुत सुंदर दृष्टांत यीशु जी ने मुझसे और आपसे कहा। हम लोग इस दुनिया में जब जीते हैं तो हम किसी भी व्यक्ति की या किसी एक चीज की कदर को नहीं जानते, क्योंकि हम बहुधा बहुतायत के कारण से बेफिक्र हो जाते। जैसे यदि किसी के पास 100 भेड़ो एक खो जाए तो वो सोचता, चलो 99 तो है मेरे पास, कोई बात नहीं। जो बिजनेस करता वो भी एक हानि का अंदाजा लगा के चलता है, जो भेड़ पालता वो भी सोचता है इसमें से 2-4 मर जाएंगे मानकर चलता है, वो अपना असेसमेंट करके चलता है। और हम जीवन में हर चीज का असेसमेंट करके चलते। स्वर्ग के राज्य में हर मनुष्य की आत्मा अपने आप में अनमोल है। ये स्वर्ग के राज का भेद है जो इस उदासीन पृथ्वी को परमेश्वर देना चाहते। एक एक व्यक्ति के लिए परमेश्वर बहुत दूर तक जा सकता है, ये बात परमेश्वर अपने वचन से कहना चाहता है। किसी प्रभु के दास ने यह कहा कि अगर पूरी दुनिया में मैं अकेला होता और कोई इंसान ना होता तो भी यीशु मेरे लिए आकर क्रूस पर बलिदान हो जाता, क्योंकि वे मेरा मूल्य जानते हैं। इस अवमूल्यन करने वाली दुनिया को वास्तविक मूल्यांकन तक, मूल्यन तक लाने के लिए परमेश्वर का वचन मुझे और आपको सिखाता है। जो मेरे और आपके भीतर नहीं है उसे परमेश्वर की दया से ग्रहण कर एक एक के महत्व को समझना बहुत ज्यादा जरूरी है। हम देखते हैं सामाजिक जीवन में, राजनीतिक जीवन में, कुछ लोग ऊपर चले जाते हैं और बाकी लोग दुख सहते रहते हैं, कुछ लोग सारे सुख भोगते हैं बाकी लोग अन्याय और दमन को सहते रहते, ये भी दुनिया में होता है। आजकल तो थोड़े से धन के लाभ के लिए किसी का प्राण भी ले लिया जाता है। हम पढ़ते हैं कि बहुत थोड़ी सी राशि को लूटने के लिए लोग किसी की जान भी ले लेते, क्योंकि उनके पास धन का मूल्य तो है लेकिन मानव का मूल्य नहीं। अगर किसी पशु पर अत्याचार हो, हम बहुत ज्यादा जागरूक हो गए, हम खड़े हो जाते, लेकिन सड़कों पर लोग मर रहे हैं, बाजारों में लोग मर रहे हैं, अस्पतालों में लोग मर रहे हैं, क्योंकि उनकी चिंता करने वाला कोई नहीं। आज की दुनिया में अगर सबसे सस्ता कोई है तो वो इंसान। अगर आप खुदा के राज्य में हो तो आप इस मूल्य को बिल्कुल बदल दो। इस दुनिया में अगर सबसे महंगा कोई है तो वो छोटे से छोटा इंसान है जिसे परमेश्वर ने अपने स्वरूप और अपनी समानता में, मानेंगे आप इस बात? क्या आप परमेश्वर से कहेंगे कि मैं कभी भी किसी मनुष्य का अपमान नहीं करूंगा, उसे छोटा नहीं जानूंगा? यीशु जी ने अपने चेलों से कहा, देखो तुम इन छोटों में से किसी को तुच्छ न जानना, क्योंकि मैं तुमसे कहता हूं कि स्वर्ग में उनके दूत मेरे स्वर्गीय पिता का मुंह सदा देखते हैं। अब एक भेद परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह प्रकट कर रहे हैं।
हमने इंसान को इंसान की तरह देखा है, इंसान की पृष्ठभूमि में क्या है ये हम नहीं जानते। पृथ्वी का राज्य हमको इंसान इंसान की तरह देखने के लिए मजबूर करता, लेकिन यीशु जी कहते हैं कि इंसान उतना आम नहीं है जितना तुम समझ रहे हो। हर एक इंसान की सेवा के लिए परमेश्वर ने दूतों को लगा रखा, वे सेवा टहल करने वाली आत्माएं हैं जो मनुष्यों के लिए भेजी गई। इस दुनिया में एक भी इंसान ऐसा नहीं है जिसके खिदमत में खुदा का दूत ना लगा। न केवल वो इंसान की खिदमत करता, उसकी सेवा करता, उसको संभालता है, लेकिन निरंतर परमेश्वर के सामने उपस्थित रहता है उसकी खातिर। मनुष्य जो इस पृथ्वी पर पाया जाता है वो वीआईपी है जिसके लिए स्वर्ग सेवा में लगा हो, स्वर्गदूत सेवा में लगे, कि कोई भी स्वर्गदूत परमेश्वर की स्वरूप और समानता में नहीं बनाया। किसी भी मनुष्य की तुलना किसी भी स्वर्गदूत से नहीं की जा सकती, स्वर्गदूत हमेशा नीचे ही रहे, ये बाइबल मुझे और आपको बताती। तो किस भाव से हम मनुष्य को देखें? इस भाव से हम मनुष्य को देखें कि इसका प्रतिनिधि मेरे परमेश्वर पिता के सामने खड़ा रहे, इसलिए मैं उसकी नाकदरी ना करूं, मैं उसका अवमूल्यन ना करूं, लेकिन उससे मूल्यवान जाऊं। यीशु जी कहते हैं क्योंकि मनुष्य का पुत्र खोए हुए को बचाने आया। यीशु अपने हृदय की भावना को वहां व्यक्त कर रहे, हर एक मनुष्य जो इस संसार में आया है वो परमेश्वर विहीन हो गया है पाप के कारण, इसलिए खोया हुआ, और परमेश्वर पुत्र इस दुनिया में इसलिए आया कि खोए हुए को ढूंढने और बचाने, अर्थात वो हर मनुष्य के कल्याण के लिए इस दुनिया में आया, कोई भी मनुष्य उसके कल्याण से बाहर नहीं। यहां तक कि क्रूस पर यीशु जी ने अपने सताने वालों के लिए प्रार्थना की और कहा है, पिता इन्हें क्षमा कर क्योंकि ये नहीं जानते ये क्या कर। दुनिया का कोई भी आदमी ऐसा नहीं है जो परमेश्वर की जद के बाहर है, और परमेश्वर जिसका मुरीद ना हो ऐसा कोई आदमी है ही नहीं। स्वर्ग छोड़कर अगर परमेश्वर पुत्र इस धरती पर आया है कि खोए हुए को ढूंढो और बचाए, तो मैं और आप उन खोए हुए के लिए कितने समर्पित होना चाहिए, यह दृष्टांत मुझे और आपको बता। अगर आप स्वर्ग के राज्य में हैं, अगर आप प्रभु के प्रेम में हैं, अगर यीशु के बलिदान से आपका कल्याण हुआ है, तो आप मनुष्य की कद्र करें, लेकिन अगर आप प्रभु से दूर हैं तो आप मनुष्य की कद्र भी नहीं करें। इस बात को समझाने के लिए प्रभु जी ने एक दृष्टांत कहा। तुम क्या सोचते हो? चेलों से विचार मांगा। यदि किसी मनुष्य की 100 भेड़े हों और उसमें से एक भटक जाए, तो क्या वो 99 को छोड़कर और पहाड़ों पर जाकर उस भटकी हुई को ना ढूंढेगा? तुम क्या सोचते हो? ये इसराइल में उस समय की परिस्थिति को बताता था। उस समय पशुधन बहुत कीमती था और चरवाहे जो है वो एक एक भेड़ को गिना करते थे। कई बार उनके स्वामी होते थे जो भेड़ों के मालिक होते थे, और यदि चरवाहे से भेड़ खो जाए तो उसकी कीमत उसको चुकानी पड़ती थी जो उसके वेतन से काटा जाता था। इसलिए चरवाहे की निगाह में एक एक भेड़ बड़ी कीमती थी। उस दिनों में अगर एक भेड़ खो जाए तो मनुष्य बेचैन हो जाता क्योंकि वह एक एक भेड़ की कदर जानता था। इसलिए यीशु ने कहा, तुम क्या सोचते हो? तुम्हारे समाज में क्या चल रहा है? तुम्हारे लोगों के बीच में क्या प्रैक्टिस है? अगर तुम्हारा कोई चरवाहा उसके पास 100 भेड़े हैं और 99 अगर उसके पास बची हुई और एक खो जाए, तो वह न केवल 99 को छोड़कर वापस जाता लेकिन पहाड़ों तक जाता और उसको हर कठिन बार जगह से ढूंढ कर निकाल जाता। तो मनुष्य होकर अपनी भेड़ की कदर जानते हो तो क्या तुम्हारा परमेश्वर पिता तुम्हारी कदर नहीं जानता? क्या भेड़ और मनुष्य की कभी तुलना हो सकती? जी नहीं। तो जब भेड़ के लिए मनुष्य इतनी चिंता करता है तो अन्य मनुष्यों के लिए वो चिंता क्यों नहीं करता? जो इस पृथ्वी का इंसान है, पृथ्वी के मूल्यों में रह रहा है, वो मनुष्य की नाकदरी करता है, लेकिन जो परमेश्वर के राज्य में, जो स्वर्ग का राज्य मनुष्य के निकट आया, इस पृथ्वी पर पाया जाता, उसके लिए एक एक प्राण बहुमूल्य है, एक एक मनुष्य बहुमूल्य है। ये भेद परमेश्वर का वचन उस पर राह पर प्रकट करता है। यीशु जी कहते हैं भेड़ को ढूंढने वो जाता है, मन में शंकाएं कुशंकाएं रहती, मालूम नहीं भेड़ मिले ना मिले,
हो सकता रात ढल गई हो, किसी झाड़ी में फंसी हो, किसी वन पशु ने उसे फाड़ खाया हो, कुछ भी हो सकता। तो चरवाहा बड़ी चिंता लेकर वापस जाता है, ये कामना लेकर जाता है कि कैसे भी भेड़ वापस मिल जाए, और संयोग से अगर वो भीड़ उसे वापस मिल जाती तो वो बहुत आनंदित होगा। परमेश्वर का वचन कहता है उसके आनंद की सीमा नहीं रहती। और यहां पर लिखा वह 99 भेड़ों के लिए जो भटकी नहीं थी इतना आनंद नहीं करता जितना वो एक के लिए करता। 99 एक तरफ और एक एक तरफ। 99 जो गल्ले में है उसके लिए उत्सव नहीं, लेकिन एक जो भटक गई थी और वापस आती उसके लिए उत्सव। आज के संसार में हम अच्छे लोगों की कदर करते, अपने समान लोगों की कदर करते, और जो भटक गए हैं, गिर गए हैं, पतित हो गए हैं, उन्हें हम प्रिय नहीं जानते। लेकिन स्वर्ग के राज्य में हर भटके हुए को खोजने की मनसा हमारे अंदर होना चाहिए, और अगर भटका हुआ आ जाए तो उसका बड़ा आनंद और उत्सव मनाया जाना चाहिए। बाइबल कहती है कि जब एक मनुष्य पश्चाताप करके परमेश्वर के पास आता तो स्वर्ग में आनंद मनाया जाता, अर्थात स्वर्ग इस बात से आनंदित और मगन हो जाता कि एक खोई हुई भेड़ भी मिल गई। इसलिए हम एक एक की कदर करना सीखें। जब हम अपने पाप में खोए होते हैं तब हम नाकदरी करते हैं। जब दाऊद ने पाप किया और उसके परिणाम स्वरूप जो उसने नीति अपनाई उसके कारण उरिया मारा गया, लड़ाई में मारा गया, तो दाऊद अपने सेनापति को कहता कोई बात नहीं, लड़ाइयां होती तो लोग मरते ही, इतना कठोर दाऊद कैसे हो। वो जो एक एक व्यक्ति की कदर जानता था, वो दाऊद जो अबशालोम के लिए रो रो कर पहाड़ों पर चढ़ने वाला जो पिता था, वो उरिया के मरने के समय कहता कोई बात नहीं, लड़ाई होती तो लोग मरते, क्यों? क्योंकि पाप उसके अंदर छिपा हुआ बैठा, पाप मानव मूल्य को एकदम गिरा देता और हम पशुवत हो जाते। इसलिए परमेश्वर का वचन कहता है कि जब खोई हुई भेड़ मिलती तो बहुत आनंद मनाया जाता। परमेश्वर का वचन मुझसे और आपसे ये कहता, यीशु जी ने कहा ऐसे ही तुम्हारे पिता की जो स्वर्ग में है ये इच्छा नहीं कि छोटे में से एक भी नष्ट हो जाए। भीड़ टूटी पड़ रही थी, हजारों लोग यीशु मसीह के पीछे आ रहे थे, चेले भी प्रॉब्लम ऑफ प्लेंटी से जूझ रहे थे, किस किस की कदर करें, किस किस को देखें, भीड़ की भीड़ टूटी पड़ रही, और जब इतनी बड़ी भीड़ सामने हो तो कैसे कदरी नाकदरी ना हो ही होगी। यीशु मसीह कह रहे हैं इसे पता है तुम्हारे कि तुम बड़ी भीड़ में भी एक एक की कदर करो, क्योंकि तुम्हारा पिता जानता है, वो जो स्वर्ग में है उसकी इच्छा नहीं है कि एक छोटे से छोटा भी नाश हो, लेकिन सब उसके पुत्र के द्वारा स्वर्ग में जाए। हम जानते हैं स्वर्ग भी है नरक भी है, और जो परमेश्वर की आज्ञा नहीं मानते और एक दूसरे की नाकदरी करते सब नरक में जाएंगे। लेकिन मूल रूप से परमेश्वर नहीं चाहता कि एक भी जन नरक में जाए, इसलिए परमेश्वर एक एक आत्मा की सुधि लेता है और वो अपने तरीके से एक एक प्राणी से व्यवहार करता है। और इन अंत के दिनों में वो अपने प्रेम को किसी न किसी प्रकार से हर मनुष्य तक पहुंचा रहा। बाइबल में लिखा जब तक यीशु जी का सुसमाचार पूरी दुनिया में प्रचार न किया जाए दुनिया का अंत नहीं आ सकता, अर्थात परमेश्वर का प्रेम भरा हाथ हर एक तक पहुंचना चाहिए। आइए इस हृदयता को हम परमेश्वर से मांगे, हमारा दिल परमेश्वर के समान, और हम हर एक आत्मा के उद्धार के लिए परमेश्वर के सामने बने रहे। प्रार्थना करें। पिता धन्यवाद देते हैं जीवन और जीवन की सारी आशीषों के लिए, धन्यवाद देते हैं पिता जीवन अनमोल है, जितना हमारी दृष्टि में उससे कहीं अधिक आपकी दृष्टि में,
वो आपका दृष्टिकोण हमें मिल सके, आपका हृदय हमें मिल सके, ताकि जिस रीति से आप एक एक मनुष्य से प्रेम करते हो उसे देखते हैं और हसरत से उसे बचाना और अपने पास बुलाना चाहते हैं, उसी आत्मा में प्रभु हम भी हर मानव की कदर करें, किसी भी रीति से किसी का अवमूल्य न होने वाला, सब आपके सुसंदेश को सुने, सब अपने मन को पश्चाताप में उंडेल दे और सब स्वर्ग के राज्य के अधिकारी बन जाएगा आपके पुत्र के प्रेम में। ये हमारे हर दर्शक के लिए संभव होगा यीशु के नाम से, आत्मा प्राण देह में प्रभु का कल्याण सदा बना है, यीशु नासरी के नाम से। प्रिय दर्शकों, हम आपके आभारी हैं कि आप हमसे जुड़े रहते हैं। हम हर प्रोग्राम में आपको हमारे फ़ोन के नंबर्स देते हैं जिस पर आप कभी भी कॉल कर सकते हैं। इन नंबर्स का आप उपयोग करें और आपके मन में यदि कोई प्रश्न है, कोई प्रार्थना का निवेदन है, आप और अधिक जानना चाहते हैं, आप अवश्य इन नंबर्स पर कॉल करके हमसे संपर्क करें। प्रभु की आशीष आप पर सदा बनी रहे। आमीन।